welcome back our viewers again in the program face to face as we are familiar that uh, the platform of this program is uh, always get busy inside in the searching of the good very faces of the society that they are the comparatively only known for their the good works on the form platform of social assist today in the same thing we had find out one counselor from the malkagan ward number n thirteen, Kumgudi devi jato she had been elected and selected in the last ndmc election how she had managed this seat for the congress party we will ask so many important questions from her एंड ऑल्सो वी विल आस्क द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाई सी इज फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी गुटी देवी जादव आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम फेस टू फेस फेस्ट में आप कांग्रेस पार्टी से निगम पार्षद है मलकागंज वार्ड नंबर एन थर्टीन से हम लोग जानना चाहते हैं बीजेपी के एक आंधी में भी आप इस सीट को कैसे कांग्रेस पार्टी के लिए बचा पाएंगे एवं आपका सामाजिक जीवन कब से शुरुआत हुआ और आप राजनीतिक जीवन में कब से जुड़े सर राजनीति का तो ये कह सकते हैं आप कि हम पहले से ही कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर रहे चाहे मैं उत्तर प्रदेश की बात कहूँ जहाँ का मेरा पीयर था और उन्नीस में जब शादी होकर दिल्ली में आए तो शादी जिस परिवार में होकर आई वो भी कांग्रेसी परिवार था हमारे घर से जब वोट जाया करते थे एज अ वोटर हम कांग्रेसी थे जी। और सोशल वर्क का था मन में कि कुछ अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए तो सोशल वर्किंग करा करते थे और एज ए कांग्रेस वर्कर 98 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी जी तो वहाँ से हम हमारी जो राजनीति का कैरियर था वो शुरू रहा परिवार कांग्रेस ही था तो इसलिए ज़्यादा उसमें जानकारी हमें मिलती रही कि पार्टी से कैसे जुड़ना है पार्टी के लिए काम करने हैं तो वो एक जुनून था साथ में हमारे आप कांग्रेस पार्टी ही अपने लिए क्यों जोड़े एक तो आपने बताया कि पारंपरिक मतलब पारिवारिक तरीके से भी कांग्रेस पार्टी आपके घर में थी जी। ये 120 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी को आपने ज्वाइन करने के लिए क्या माना आपके आधार क्या थे सर सबसे बड़ी जो एक जो एक आपकी भावना होती है जिस पार्टी को आप ज्वाइन करने हैं उसका इतिहास कार है जो इतिहास जो कांग्रेस पार्टी का रहा है उसमें स्वतंत्रता सेनानी भी रहे आज़ादी के टाइम की पार्टी है और सबसे बड़ी बात के 120 साल पुरानी पार्टी है इस पार्टी ने हर वो दिन देखा है चाहे आसमान की ऊंचाइयां हो या जमीनी की हकीकत हो जी तो इसलिए हम मेरा लगाव रहा तो पार्टी ज्वाइन कर ली कांग्रेस पार्टी सवा सौ साल पुरानी देश की पार्टी गुडी देवी यादव ने बताया कांग्रेस पार्टी जहाँ आज़ादी की लड़ाई देखी वहीं विकास की बुलंदियों से लेकर आसमान की तुलना एवं जमीन के पाताल की गहराइयों तक खोने की जड़ कांग्रेस पार्टी के लिए इन्होंने बताया मैम हम लोग जानना चाहते हैं आपने अपने क्षेत्र के विकास कार्य के लिए कौन से कार्य अभी तक ढाई सालों में किए हैं जिससे यहाँ की जनता को राहत मिलती है मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये मेरा सेकेंड टाइम का यहाँ से काउंसलर का है तो इससे पहले पाँच साल भी रही हूं और सेकंड टाइम में और ये आप जानते हैं आप भी जानते हैं क्योंकि आप सारे पूरे आ, मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष की बात कहूँ और खासकर दिल्ली की बात कहूँ तो सोशल मीडिया पे आप हैं और सारा जानते हैं आप जी जी। पहले टाइम तो आप कह सकते हैं कि भाई लक जीत गए आप कि आपका भाग्य साथ दे गया सेकेंड टाइम उसी सीट से जीतना अब मेरे लिए संघर्ष की बात कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि मैं अपने लोगों को मैंने इस क्षेत्र को कभी क्षेत्र नहीं और ऐसे करके नहीं देखा कि मेरी जनता मैंने कहा मेरा परिवार है तो इस परिवार से मैं इतना जुड़ चुकी हूँ चाहे कोई खुशी हो गम हो मैं हरेक के साथ खड़ी रहती हूँ तो शायद ये बात था इन लोगों का कि वो सेकंड टाइम भी कांग्रेस पार्टी की जो आप कह सकते हैं कि मोदी थी उस टाइम में भी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के को लाना मैं इस क्षेत्रवासी के लोगों का भी धन्यवाद उसमें मानती हूँ जी तो आपने तो पिछले इतने टाइम से काफ़ी विकास कार्य कर रखे होंगे आपके उसमें चुनिंदा एवं या यादगार कौन से निर्णय लिए गए सबसे पहला मैं जब जीत के आई थी तो हमारे पीछे आप जब जाएंगे तो देखेंगे उस टाइम 2012 में जब इलेक्शन लड़ा था तो वो रोड बड़ा मलकागंज का खुदा हुआ रहता था जी और कभी भी जब उस रोड से मैं भी निकलती थी तो एक मन में थॉट आता था कि यार इसको कौन बनाएगा जी। तो सौभाग्य मेरा रहा कि मुझे परमात्मा ने चुना कि मैं वहां आके पहले तो उस रोड को बनवाऊ मलकागंज का रोड मलकागंज चौक से लेके बर्फ खाने तक वो रोड बना था भले ही एम फंड लगा था लेकिन मेरे आते हुआ था क्योंकि होता ही है कि जब दो पार्टी एक साथ रहती है या दो चेहरे एक साथ रहते हैं दो पहिए कहेंगे आप काउंसलर प्लस विधायक तो वो एक चेन सी बन गई थी तो वो सबसे पहला कार्य वो हुआ था उसके बाद अब यहाँ से थोड़ी दूर आप जाएंगे घंटाघर बद्रीमला खाड़ा बहुत प्रसिद्ध है वहाँ एक जच्चा बच्चा केंद्र बनाया बहुत सुंदर है और बहुमंजिला बनाया है वो आप देखेंगे वो एक ऐतिहासिक चीज मैंने यहाँ के जो मेरा परिवार है उसको मैंने दी है तीसरा मेरा काम अगर मैं बताऊँ आपको तो यहीं से थोड़ी दूर मेरा ऑफिस है पंजाबी बस्ती वहीं एक बारात घर हुआ करता था जो आज की डेट में आप उसको बैंकट हॉल का नाम दे सकते हैं सुंदर बनाया डॉक्टर करण सिंह जो हमारे राज्यसभा के मेंबर थे उनसे पैसा लेके आई थी और हमारे एमपी रहे जयप्रकाश जी भाई सिंह बिट्टू जी जो आज हमारी पार्टी में नहीं है लेकिन इन लोगों का बड़ा सहयोग रहा मुझे जी। और वो मैंने बारात घर बनाया ए सी लगे हुए हैं बाकायदा ए सी ऐसे नहीं की विंडो ए सी लगे हुए बाकायदा ए सी प्लाइंट लगा के वो बाहुमंजिला बनाया आप देखेंगे कि बड़ा सुंदर है और बैंकेट हॉल कहते हैं लोग उसको और नाम मात्र जो उनका शुल्क है मैंने बड़ा मिनिमम रखा उसका। तो ये मेरी चीज है साढ़े चार हजार क्षेत्र को दी है जो अपने परिवार को दी है दीक्षित जी की जब सरकार चलती थी तो उस टाइम आपको कुछ मिला आपके इलाके को फायदा बहुत सारे काम किए और गलियों की अगर बात करें तो बहुत अनेकों मैंने गलियां बनवाई जिसमें बिट्टू जी का साथ था जो एम जैसा मैंने अभी बताया आपको जो की अभी हाल फिलहाल हमारी पार्टी में नहीं है पार्टी छोड़ दी है पर गली में सीवर लाइन है गलियों को बनाना कटरों को बनाना मेरे यहाँ 207 कट रहे कटरे हैं उनका सौंदर्यकरण करवाना पार्कों का निर्माण करना मन की जो मैं कर सकती हूँ अपनी क्षमता से ज्यादा जो मैंने जो आपको कहा भी है कि ये मेरे क्षेत्र मेरा परिवार है जो परिवार के लिए संघर्ष आदमी कर सकता है मैं आज तक उस संघर्ष को करती आपके क्षेत्र में लोकप्रियता लोकप्रियता दर्शाती है कि गुड्डी देवी जादो को क्यों मिल रहा है विकास के कार्य को आधार पे मिल रहा है जी मैम हम लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि शिला जी की जो सरकार थी तो दिल्ली की जनता ने उन्हें थ्री टाइम सीएम का पोस्ट दिया था उनके कार्यों को आप किस तरीके से अवलोकित करती है मुझे नहीं लगता कि कोई सी ऐसा आएगा मैं आपको आने वाले भविष्य की भी बात कर रही हूँ मुझे नहीं लगता कि कोई सी ऐसा आएगा जो शिला जी की तरह काम कर सकता है एक महिला होने के नाते जो आज हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की तो मैं कहूं दमदार महिला पावरफुल महिला अगर थी तो वो शीला दीक्षित थी उसने भी कहा था कि मेरी दिल्ली में ही सवार हूं। आप देख सकते हैं कि ये पांच साल जी। और पंद्रह पिछले पिछले पंद्रह साल जी बिल्कुल।, बिल्कुल आप उसमें फर्क देख सकते हैं बिल्कुल आज के टाइम की जो आज की सरकार है मात्र एक कोई फ्लाईओवर मुझे बताएं आपके ये उन्होंने बनाया जो उनके बनाए हुए फ्लाईओवर है या उनके बनाए हुए हॉस्पिटल है या उनके बनाए हुए कॉलेजेस हैं या उनके बनाए हुए स्कूल्स हैं उनमें रिपेयरिंग मात्र काम केजरीवाल जी ने नहीं कराए तो दमदार महिला पावरफुल महिला और सबसे बड़ी बात एक महिला जो किसी को जनना जानती है किसी को पैदा करना जानती है तो किसी को बनाना भी जानती है वो शिला जी ने करा था आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन लोग याद करते हैं उनको मैडम देश के वरिष्ठ समाज सेवक अन्ना हजारी जी ने एक आंदोलन किया था कि पूरे देश का व्यापक समर्थन मिला था राष्ट्रीय भ्रष्टाचार के खिलाफ था सरकार के सरकारी प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर था उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार शायद होती थी जी। तो उस टाइम आपको क्या लगता है हजारे साहब का आंदोलन क्या कांग्रेस पार्टी के लिए था या फिर किस चीज के लिए था आपका सबसे हाँ बिल्कुल सही बात है सबसे पहला जो हजारे जी का जो आंदोलन था वो था लोकपाल बिल को जी। अब लोकपाल बिल में सब मध्य वर्ग के जो लोग थे उनको ध्यान में रख के कि उनकी जो एक माध्यमता है उनको उन तक हम अपनी सेवाएं पहुँचाए और वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं था ये तो लोग समझ बैठे जो जिन लोगों को भ्रमित करा गया समझाया गया जो समझाया गया लोगों को असल में वो आंदोलन उन लोगों के लिए था एज ए आप जो किसी को कमिश्नर कह सकते हैं या हमारे जो एक एडमिनिस्ट्रेटर जो सिटी है जाइए ये कहें ऑफिशियल मिस्टेक आप कहना चाह रहे हैं हाँ जो ऑफिशियल जो वर्किंग था जो बिगर पैसे लिए कहीं काम नहीं करते थे जी लेकिन आज भी आप देखेंगे कि वो कहीं खत्म नहीं हुआ जिस आंदोलन को लेके आम आदमी पार्टी जो खड़ी हुई थी जी। आप देखेंगे कि वो आज भी वहीं के वहीं खड़ा है हाँ, लोकपाल के नाम पर लोकपाल के नाम पे हुई थी वो लोकपाल भी वही है वो शायद आप उसका जिक्र भी नहीं करते हैं आपने देखा होगा उनके मैनीफेस्टो में से वो हट भी गया है तो वो लोगों को समझ नहीं आया और लोगों को भ्रमित करा गया जी। तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो उसका उनको फायदा मिला था क्योंकि सत्ता में हम थे और पंद्रह साल का हमारा राजनीति का जो दिल्ली के अंदर था शायद वो भी कह सकते हैं उसमें और थोड़ी सी थोड़ी सी जो कहते ना कि परिवर्तन ही एक समाज का नियम है तो शायद लोगों ने सोचा कि ये जो बेहतर हुआ है कांग्रेस के टाइम पे मैं मानती कहती हुआ इस बात को और लोग मानते हैं जो बेहतर हुआ था कांग्रेस के टाइम पे उन्होंने सोचा था कि शायद इससे बेहतर कोई पार्टी और दे सकती है इसलिए एक मौका दिया था लेकिन आप देखेंगे कि उससे बेहतर नहीं आप देखेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने ताला किसने खोला था उसका राजीव गांधी जी ने राजीव, राजीव गांधी जी ने जो हमारे स्वर्गीय पार्टी के मेरे ख्याल से सबसे यंग स्तर के नेता वो प्रधानमंत्री बने थे उनके... उनकी सोच हटके थी वोटर का अधिकार दिया था तो राजीव गांधी जी ने दिया था एक युवा को अगर वोट करने का अधिकार था तो क्या अठारह साल की उम्र में आप वोट कर सकते हैं तो ये डिजिटल इंडिया का नाम दे दें उसको कैसे होगा डिजिटल अगर इंडिया किसी ने कराता वो राज गांधी जी ने आदरणीय राजीव गांधी जी ने कराता था जबकि कंप्यूटर लाया गया तो आपने देखा होगा कि पूरे देश में इन्होंने हाहाकार मचाया था कि लोगों के रोजगार चले जाएंगे लोगों का ये हो जाएगा लोगों का हो जाएगा। आज सबसे ज्यादा अगर रोजगार इंडिया में है जी। तो कंप्यूटर बेसिस पे ही है आप कोई भी चीज आप उठा के देख लें कॉपी किताब का इस्तेमाल कम होता है कंप्यूटर का होता है तो में भारत के आज भी बिजली की जो स्थिति है इस पे आप क्या दो

शुरुआत किसने करी थी हमने करी थी और ये आज के हमारे युवा को ये बहकाते हैं ये बहलाते हैं कि जी सत्तर साल में क्या हुआ सत्तर साल का अगर आप मेरे हिसाब से पूछें तो सत्तर साल पहले अगर मैं ही अपने गांव की बात करूं तो सर बैलगाड़ी में हम जाया करते थे जी। मोटर वहीकल नहीं होते थे साइकिल वहीकल नहीं होते थे मोटरसाइकिल नहीं होती थी बसेस नहीं होती थी आज हम प्लेन से भी सफर करते हैं आज हम ट्रेन से भी सफर करते हैं ये कि मतलब किसकी कि... देन है ये सत्तर सालों में कांग्रेस पार्टी की देन है या आदरणीय राजीव गांधी जी की देन है आदरणीय इंदिरा गांधी जी की देन है ये तो शायद आप प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की भी बात कर रही है पी एम जी ओ वाई एस वो मनमोहन सिंह जी ने और राजीव गांधी जी ने आप देखा होगा कि उत्तर प्रदेश से एक यो योजना चली थी कि गांव से शहर को जोड़ो और शहर से गांव को जोड़ो जी। वो हमारे टाइम पे चली थी आदरणीय प्रधानमंत्री जो हमारे मनमोहन सिंह जी जो यूपी पी यूपीए की सरकार रही उस टाइम उसका वो हुआ था शिलान्यास हुआ था जी। एक सबसे बड़ी बात इनको कुछ नहीं आता एक जो बाजीगर की मैं उपाधि दूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि एक डुगडुगी बजाई और कुछ देर का वो तमाशा करके बंदर को कह देता ना कि बस बंदरिया रूट के चली गई तो आप लेके आओगे कि हाँ लेके आएंगे तो उस तरह से लोगों को आज का जो आप दौड़ देखेंगे कि किसी को किसी की नहीं पड़ी है कोई भी हो उसमें लेकिन अगर भारत देश की किसी को पड़ी थी वो कांग्रेस पार्टी को पड़ी थी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है सभ्यता के साथ अपनी बात रखती है ईमानदारी के साथ अपनी बात रखती है और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है और भारत देश को आगे बढ़ानी जी गुडी मैम आप नोट बदली को नोटबंदी को आप देर के देश के अर्थव्यवस्था से जोड़ के देखते हैं बैंकों का अर्थव्यवस्था को सत्यानाश साबित करने पे आपका भारत बचाओ अभियान था इस पे आपके दो शब्द क्या है सबसे बड़ी बात अब नोटबंदी को आप ये कहते हैं कि वो काला धन की इन्होंने जो जिक्र करा था कि काला धन आ जाएगा नोटबंदी के माध्यम से अब मुझे बताएं कितना काला धन आया जी नोट मंदबंदी जो इन्होंने करी थी कि 2016 में जो इन्होंने करी 8 नवंबर को कि आज से दो हजार का और 500 का नोट मान्य नहीं रहेगा जी। उस नोटबंदी से जो इन्होंने मंदी में कहूंगी बंदी नहीं कहूंगी मंदी कहूंगी क्योंकि ये एक काला दिवस हमारे इतिहास में लिखा गया है कि वहां से हमारी अर्थव्यवस्था गिरनी शुरू हो गई थी जैसे ही इन्होंने नोटबंदी लागू करी थी आप जानते होंगे कि आरबीआई के जो गवर्नर थे रघुराम राजन ने उन्होंने कहा था कि अभी ये सही समय नहीं है चार छह दिन पहले उन्होंने राहुल गांधी जी से भी मुलाकात करके वर्तमान इस मंदी के ऊपर बात की थी उन पर स्टेटमेंट भी आया था राहुल गांधी उन्होंने जब जब वो गवर्नर थे आर के तो उन्होंने कहा था उन्होंने सुझाव दिया था देखो जो एडमिनिस्ट्रेज को समझता है वो उसको समझता है और वो आपको उदाहरण देता है कि सर ये काम अभी आप मत कीजिए इसमें बहुत लॉस होगा अभी इन्होंने एक दस रुपए का नोट एक दस रुपए की तुलना अगर आप करें उसमें तो दस रुपए का नोट उसकी लागत कितनी थी दस रुपए क्या बंद करने की जरूरत थी आपको चला में है लेकिन फिर भी आप क्या चाहते थे आप इतिहास बदल के या अपना कानून बदल के इतिहास नहीं बदल सकते इतिहास लिखा है इतिहास लिखने का काम करें तो सभ्यता के साथ काम न करना पड़ेगा अर्थव्यवस्था को काम देख के काम करना पड़ेगा दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को कहाँ देखते हैं आप बैंक हमारे बैंक को कम अर्जन हो रहा है एक दूसरे में हो रहे समाहित हो रहे जबकि यह होता है कि अगर मेरा आज परिवार बड़ा है तो मेरा एक कमरे का मकान था तो मैं सोचूंगा उसको चार मंजिला बनाऊं दोनों बेटों के काम आए एक बेटी रहे तो उसके भी काम आए हमारे भी काम आए आज के टाइम में आप देखेंगे कि हम इनसे कोई सवाल नहीं पूछे डिजिटल इंडिया जो आप ये कह रहे हैं कि जो डिमोनिटाइजेशन इन्होंने करा था युवाओं को रोजगार नहीं नोटबंदी से नाश हुआ व्यापारियों का जो मध्यम वर्ग का व्यापारी था लघु उद्योग जो था उसका वो चार उनकी दस, आर्थिक व्यवस्था जो थी थोड़ी सी चरमरा गई होगी थोड़ी नहीं बंद हो गए छोटे उद्योग तो आप देखेंगे कि जिसने अपने कारखाना छोटा सा खोल रखा था उसमें दस नौकर रख रखे थे पांच रख रक रखे थे उसको क्या करना पड़ा उसको बंद करके उसको गांव जाना पड़ा नोटबंदी का मतलब ये था कि मंदा ही हो गया है और इनका एक चीज मैं आपके माध्यम से दिखा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी जो ये कहते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो चार परसेंट पे जी डी है जो हमारी चार परसेंट पे नहीं सर जी इन्होंने कहते हैं ना भूगोल ही बदल दिया है उसको दिखाने का नजरिया ही बदल दिया आज की डेट में मेरा अपना ये मानना है कि वो हम आज एक परसेंट पे हैं चार पे भी नहीं है एक या जीरो पे हम देखेंगे अगर आप उस हिसाब से देखें तो उद्योग जीरो उद्यान विभाग जीरो नौकरियों में जीरो आप देख सकते हैं कि ये मीडिया दिखाता है या आप लोग दिखा रहे हैं और ये जो हमारे अर्धशास्त्री जो जाने माने वो कहते हैं कि पैंतालीस साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये रहा है कि पैंतालीस साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी आज के टाइम में है मैम आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी अपने किन कार्यों के आधार पर चुनावी दंगल में अपने उम्मीदवारों को उतारने जा रही है सब सबसे बड़ी बात है जो हमने कार्य करे थे वो सभ्यता के साथ करे थे और हम जो उम्मीदवार हमारे कोई भी उतरे उसमें हम इनकी जो खामियां रही हैं जो इन्होंने कहा था कि हम देश को बढ़ाएंगे देश का नाम हो रहा है देश का नाम हो रहा है देश का नाम दो सूरतों में होता है या तो बदनामी में होता है या नामवरी में होता है तो नामवरी में तो हम हैं नहीं ये आप इस बात को भूल जाइए क्योंकि आ, मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी कहाँ पहुंच चुकी है तो बदनामी में है अब जो ये हालात आज के टाइम में आप देख रहे हैं इस हालात को हम लोगों को समझाएंगे आज की डेट में भी हम लोगों को कहते हैं कि अगर आपको धरना करना है आपको अपनी बात रखनी है तो सभ्य तरीके से क्योंकि एक सभ्य पार्टी सिखाएगी इनके मिनिस्टर कोई कुछ भी बोल देता है इनके मंत्री कोई कुछ भी बोल देता है इवन हमारे प्रधानमंत्री भी कुछ भी बोल देते हैं जी। देश का प्रधानमंत्री है देश को रिप्रेजेंट करता है आप कैसे बात कोई भी छोटी बात ऐसे कह सकते हैं कि किसी को कुछ भी बोल दिया और फिर वो आप उसमें मान्यता रखें कि मुझे प्रधानमंत्री कहा जाए जी। नाम बढ़ाता है देश का गौरव बढ़ाता है देश का प्रधानमंत्री जी जी। आप देखेंगे सोशल मीडिया पर कितनी कुछ चीजें टोल होती हैं जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बोल देते हैं देश चलता है हमारी अर्थव्यवस्था थे अर्थव्यवस्था हमारी चलती है जो हमारे उद्योग हैं बड़ा हो छोटा हो जी। बड़े उद्योग बड़े लेवल पर काम करते हैं छोटे उद्योग जो छोटा खाद्य पदार्थ है जो मध्यम वर्ग है हमारा जी जी। उसका ख्याल रखते हुए उसको काम करता है मैम आने वाले वक्त में आपके यहाँ जो चुनाव है तो आप अपने क्षेत्रीय मतदाताओं को मीडिया नई शोभा के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं मैं सबसे पहला उनसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहूंगी कि किसी चेहरे पे मत जाइए किसी पार्टी पे भी मत जाइए लेकिन आप अपने बीच का जो फर्क है उसको पहचानिए कि आप किस बात के लिए वोट कर रहे हैं आपकी जो ज़रूरत है उनको कोई ध्यान में रखेगा उस चेहरे को वोट दीजिएगा उससे पूछिएगा ज़रूर जो आपके बीच में आए भले ही किसी भी पार्टी का हो तो ये मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि किसी भी पार्टी के मतदाता कैंडिडेट को आप वोट करें उससे पूछिएगा ज़रूर कि वो आपको वक़्त पर मिल सकता है आपको अगर किसी पुलिस वाले से कुछ किसी की चीज़ की परेशानी है वहाँ आपके साथ खड़ा हो सकता है आपको पानी की ज़रूरत है वहाँ वो मिल सकता है आपको किसी लेटर की ज़रूरत है वो मिल सकता है आपको पेंशन की ज़रूरत है वो मिल सकता है आपको राशन कार्ड बनवाना है उसकी ज़रूरत है वो मिल सकता है इन चीज़ों को ध्यान में रखते हो फ्री के लोहावने बादों में मत आइएगा मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है और इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपके साथ जब आपको ज़रूरत पड़ती है वो आपके साथ खड़ा होता है आपको मिलता है नहीं मिलता है इस चीज को ध्यान में रखते हुए वोट दी, जरूर दीजिएगा मैम इस समय आम आदमी पार्टी की जो सरकार है बिल्कुल साढ़े चार साल को पूरा कर चुकी है किसी भी समय भारतीय चुनाव आयोग का डंका चलेगा बजेगा और चुनाव आचार संहिता दिल्ली में लागू हो जाएगी हम लोग देख रहे हैं कि जो कुछ वायदे किए गए थे शुरुआत में जैसे आज वाईफाई फ्री अब मिल रहा है या सीसीटीवी फ्री अब मिल रहा है इस तरीके के कुछ वायदे शुरुआती दौर में इनके द्वारा किए गए थे दिल्ली की जनता को एवं अभी देखा जा रहा है कि महिलाओं को पास भी निःशुल्क करार दिया गया है तो बिजली के बिल में भी कुछ सुनते हैं कि हाफ आ रहा है और पानी भी साफ रह रहा है इस तरीके का कुछ है तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सबसे मैं ये कहूंगी कि उधार की जिंदगी कब तक चलती है उधार की जिंदगी कब तक चलती है आप किसी दुकान से भी उधार लेते हैं तो वो महीना भर दे देगा आपको दूसरे महीने टोक टोक देगा देगा हाँ, बिल्कुल एक समय सीमा के बाद देना। समय सीमा सीमा के के बाद बाद देना वो तो तो ये टोक ये देगा उधार है। नहीं है ना ये तो बिल्कुल मुफ्त जैसा है मुफ्त जैसे बात बताती हूँ ना और मैं लोगों को भी आपके चैनल के माध्यम से मैं जो जो दिल्ली के लोग इसको देखेंगे मैं उनको समझाना चाहती हूँ उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि फ्री की चीज फ्री तो कहते हैं ना राय भी किसी की फ्री की मतलब क्योंकि जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है मुझे सर एक बात बताएं ये जैसे ये चुन के आए थे जब इन्होंने कहा था कि हम जनता के लिए हम आम लोग हैं आम पार्टी हम आम लोगों के लिए काम करेंगे नहीं। नहीं। तो पानी जब ही काहे नहीं फ्री करा था इन्होंने जब ही क्यों नहीं फ्री करा था इन्होंने बिजली के दाम जब ही क्यों नहीं इन्होंने आधे करे थे दो सौ यूनिट तक जब ही क्यों नहीं फ्री दिया था महिलाओं को सफर आज ही देने की क्यों जरूरत पड़ी जब ही क्यों नहीं दिया था बस लाने की जरूरत आज ही क्यों पड़ी जब ही क्यों नहीं दिया इसका मतलब ये चुनाव के लिए स्वार्थी पार्टी है स्वार्थी ही लोग बैठे हैं और सर एक चीज और मैं बताऊं वन मैन शो है केजरीवाल जी से कोई आगे नहीं आ सकता केजरीवाल जी के सब पीछे रहेंगे आज भी वो लोग वोट मांगेंगे तो केजरीवाल जी के चेहरे पे मांगेंगे कैंडिडेट के नाम पे कोई नहीं मांगेगा तो आज ही क्यों दिया सर मैं उन बहनों से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि आज का फ्री आपको सबर दे रहे हैं पाँच साल आपके बहुत कठिन कर देंगे महीने में पानी चार दिन आएगा और बीस दिन पानी नहीं आएगा या दस दिन पानी नहीं आएगा तो फिर सर फ्री का और महंगाई का क्या उसमें फर्क रहेगा बिजली दस घंटे की जगह बारह घंटे आएगी आठ घंटे नहीं आएगी और अब तो सर्दियाँ अब तो वैसे भी लोड कम हो जाता है तो इस महीने में फ्री देके या 200 यूनिट तक देके तो कोई भला नहीं करा इस इनकी सिर्फ गेम प्लानिंग गि, है ये चुनाव को देखते हुए वाईफाई शुरू में ही क्यों नहीं दिया हमारे यूथ को जो जिसको जरूरत है जो हमारा इतिहास पढ़ सके जो सर्च कर सके आज ही क्यों दिया क्योंकि चुनाव आ रहे हैं सीसीटीवी जी जी। कैमरे जो ये कह रहे थे महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे उसी टाइम क्यों नहीं लगाए थे साढ़े चार साल तो ये कहते रहे कि के हमें केंद्र सरकार काम नहीं कर रहे दे रही हमें मोदी सरकार काम नहीं कर अब वही मोदी सरकार अब क्यों काम करने दे रही इसका मतलब झूठ बोलते थे झूठे हैं आज भी वो काम कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं चार साल पूरे साढ़े चार साल कुछ नहीं करा चार महीने अब काम कर देंगे तो लोग उसको याद में रखेंगे क्योंकि याददाश्त का जो... मतलब कि इन्होंने जब भी बताया कि मुझे केंद्र की सरकार काम नहीं करने दे रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर काम नहीं करने दे रहे हैं तो ये तमाम अटकले आधारहीन लगाए जा रहे थे जिस तरीके से आपने बताया कि मतलब उन्होंने अपने काम को न करने के लिए एक कारण ढूंढो केंद्र बना रखा था सच्चाई है जी ये सच्चाई है और सबसे बड़ी बात जैसे की आप ने देखा होगा लोकसभा चुनाव में हमारे पीछे पड़े रहे थे कि गठबंधन करना है गठबंधन करना है हमने जब शुरू में ये जीत के आए तो हमने जनता के लिए दिल्ली की जनता के लिए बड़ा दिल रख के हमने इनको आ, समर्थन दिया था इन्होंने क्या करा उनचास दिन में उसको तोड़ दिया तो इसका मतलब फरे भी तो है ये धोखा देने वाले तो आप लोगों ने दिया था या उन्होंने आकर आपसे मांगा था उन्होंने भी मांगा था और हमने भी दिया था। जी सरकार चलाने के लिए जनता की भलाई जनता की भलाई के लिए कि जनता पे फिर से इलेक्शन का बोझ ना पड़े आचार संहिता ना लगे कार्य ना रुके उन्होंने भी मांगा था और हमने भी दिया था जो सिर्फ लोगों की जन जो दिल्ली की जनता उसको ध्यान में रखते हुए क्योंकि तो हम नहीं चाहते थे कि उस पर दोबारा इलेक्शन का बोझ पड़े इस बार के चुनाव में क्या आप आशा करती हैं कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली के विधानसभा में बहुमत के जादुई आंकड़े के छुप आसपास रहेगी या इसे छू के निकल जाएगी क्या है सर सबसे बड़ी बात है हर जीत या विधानसभा उसमें के सरकार बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे वो बात तो मैं नहीं कहूँगी आपको लेकिन मैं इतना कहूँगी कि दिल्ली की जनता को समझ में आ गया है हमें वो विधानसभा तक जरूर पहुँचाएगी और दिल्ली की जनता की इच्छा शक्ति है और हमारा मनोबल उनसे ही है तो वो हमारा मनोबल कभी नहीं तोड़ेंगे ये मैं जिन दि दिल्ली की जनता के वो हृदय की बात ये कह रही हूँ आपसे और वो हमें विधान विधानसभा तक जरूर पहुंचाएंगे उसमें गुड्डी देवी यादव मलकागंज से, निगम पार्षद इन्होंने जैसा कि बताया कि अन्ना हजारे का आंदोलन कांग्रेस पार्टी नहीं केंद्र की सरकार के राष्ट्रीय भ्रष्टाचार जो कुछ चुनिंदा एवं मानिंदे लोगों के काले कारनामे होते थे उसके खिलाफ हजारे जी का आंदोलन हुआ वहीं पे उन आंदोलन का फायदा उठाने के लिए राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया जिसमें टोपी पहनकर लोगों को टोपी पहनाने का आरोप लगाया गया गुड्डी देवी जाटों के द्वारा एवं आम आदमी पार्टी के सरकार के साढ़े चार साल के पूर्व के कार्यकाल को तमाम तरीके के तीखे आरोप लगाए एवं फरोशी का आरोप लगाया जिसमें तमाम मुद्दे इन्होंने गिनाए एवं यहीं इन्होंने कांग्रेस पार्टी के पिछले कार्यों को विकास कार्यों के आधार को आधार मानते हुए आगामी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के आसपास की आशा जताई है